नमस्कार दोस्तों, आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप ये एक आरओ देख रहे हैं और ये आरओ में एक ये जो पार्ट देख रहे हैं ये हमारा ऑटो फ्लश है। एक्चुअली यहाँ जो हमारे पास कंप्लेंट आई थी वो कंप्लेंट ये थी कि भाई यहाँ पर जो है कि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। तो हमारे टेक्नीशियन जो है ये वीडियो बनाया है इन्होंने, तो जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो पानी का फ्लो जो कम आ रहा है, प्योर पानी जो है वो कम आ रहा है, ड्रेन भी यहाँ एक्चुअली कम ही निकल रहा था। तो यहाँ पे आके देखने पे पता चला कि एफआर भी पूरा चोक है और इधर जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन भी पूरी लगभग 90% चोक है। तो यहाँ देखने पे इन्हें ये लगा कि यहाँ पर या फ्लोराइड है, सिलिका है या माइका है, कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है। और जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जो वाइट लेयर वगैरह जमी हुई है। अब वाइट लेयर अगर जम जाती है तो यहाँ पर एक दो बार पहले भी आरओ रिपेयर किया गया है। तो ये देखिए, इसमें जो है मेम्ब्रेन नया लगा दिया गया है लैक्स प्योर की। तो क्या है कि मेम्ब्रेन, तब तो समझ में नहीं आया कि भाई बार बार क्यों मेम्ब्रेन चोक करी, लेकिन जब जल्दी जल्दी मेम्ब्रेन चोक हुई तो माइंड में ये खटका हुआ कि यार क्यों जल्दी इतनी जल्दी मेम्ब्रेन चोक हो रही है। तो वो सिल्का और ये माइका वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से यहाँ पर ये ऑटो फ्लश लगाया है। अब ऑटो फ्लश लगाने का बेनिफिट ये रहेगा कि हमारी जो मेम्ब्रेन 2-4 महीने ही चलती है, उसके बाद चोक हो जाती है, तो ये कम से कम हमारी मेम्ब्रेन की लाइफ ये है कि एक्सपीरियंस है हमारा, अपना खुद का अनुभव है, लगभग 1 साल तो आप मान के चलिए, 1 से 1.25 साल तो मेम्ब्रेन की लाइफ रहेगी रहेगी। तो इसमें ये सारे फिल्टर वगैरह चेंज करके, इसमें मेम्ब्रेन वगैरह चेंज करके इसमें अलग से जो है ऑटो फ्लश लगाया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या आती है, एक बार आपको थोड़ा TDS भी चेक करके दिखाते हैं। TDS यहाँ पर लगभग थोड़ा सा अगर गौर करें तो यहाँ 800-900 के करीब TDS है। तो TDS तो फर्स्ट क्लास लो कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नया मेम्ब्रेन लगाते हैं तो एकदम से TDS तो फर्स्ट क्लास लो हो जाता है, लेकिन समस्या ये आती है कि मेम्ब्रेन चलती नहीं है। यार अरुण जी क्या करें, तो फिर ये हार के लास्ट में ये ऑटो फ्लश के लिए हमने इन्हें सजेस्ट किया, तो इन्होंने कहा चलो ऑटो फ्लश लगा दिया जाए, इसे भी करके देखते हैं। लेकिन हमें पता है कि ऑटो फ्लश लगाने से हमारी मेम्ब्रेन जो है साथ के साथ क्लीन होती रहती है, उसमें यह है कि जो स्केलिंग जो हो जाती है, जल्दी जल्दी जो मेम्ब्रेन चोक हो जाती है वो दिक्कत नहीं आएगी और हमारी मेम्ब्रेन की लाइफ भी बढ़ेगी। क्योंकि यार देखो, मेम्ब्रेन एक जो है कॉस्टली पार्ट होता है। ठीक है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो बंदा करा लेता है, लेकिन अगर 4-6 महीने में ही अगर मेम्ब्रेन चोक होगी, 4 महीने में मेम्ब्रेन चोक हो रही है दोस्तों, 4 महीने में अगर मेम्ब्रेन चोक है तो कोई भी बंदा आया, अगर आपकी जगह हम भी होंगे तो प्रॉब्लम तो जरूर होगी। तो ये देखिए, फर्स्ट क्लास फ्लो आ रहा है, प्योर और ड्रेन पानी का फ्लो फर्स्ट क्लास रहेगा। अब ऑटो फ्लश का फ़ायदा ये रहता है कि ये हमारे जो मेम्ब्रेन है, जब भी आरओ हमारा ऑन होगा, अगर दिन में 5 बार अगर हमारा आरओ ऑन हो रहा है तो जब भी ऑन होगा, सबसे पहले हमारा ये जो है मेम्ब्रेन की क्लीनिंग करेगा। तो मेम्ब्रेन की क्लीनिंग मतलब 18 सेकंड के लिए, 15 से 18 सेकंड के लिए हमारी मेम्ब्रेन की क्लीनिंग करता है, साथ के साथ गंदगी बाहर निकाल देता है, वेस्ट पानी में मेम्ब्रेन में गंदगी जमने नहीं देता। तो इस वजह से हमारी मेम्ब्रेन की लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, 1.25 साल में 1000 TDS है, 1.25 साल में मेम्ब्रेन चोक हो तो समझ में आता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन भाई 5-6 महीने में, 4 महीने में अगर मेम्ब्रेन चोक हो जा रही है तो कहीं ना कहीं मन जरूर दुखता है। तो ये प्योर पानी का फ्लो हो गया, ड्रेन पानी का फ्लो हो गया, और ये जो इसमें ऑटो फ्लश लगाया है ये विद एफआर लगाया है। मतलब इसका बेनिफिट ये रहेगा कि इसमें हमें एफआर अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जैसे ही ये 15 से 18 सेकंड के लिए क्लीनिंग करेगा ये हमारा एफआर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पहले पूरी तेजी के साथ फ्लो निकलता है, देन उसके बाद फ्लो हमारा एफआर से जो फ्लो निकलता है उतना फ्लो इसमें से निकलेगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही था कि भाई आप लोगों को भी थोड़ी ये नॉलेज हो कि अगर आपको ऐसी कोई समस्या दिखी, इस समय ये ऑटो फ्लश ऑन किया है तो ये हमारी मेम्ब्रेन की क्लीनिंग हो रही है, पूरी स्पीड के साथ पानी निकल रहा है और थोड़ी देर बाद ये इसका फ्लो कम हो जाएगा। अभी आप देखेंगे थोड़ी सी क्लीनिंग होगी, उसके बाद ये देखिए एकदम झटके से ये फ्लो कम हो गया। तो ये धीरे धीरे अब हमारा एफआर में ये कन्वर्ट हो गया है, थोड़ा सा फ्लो अभी और तेज होगा। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या आती है तो इस टाइप से आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। ऑटो फ्लश जरूर लगाइए, वेट मत कीजिए कि यार चलो फिर एक मेम्ब्रेन लगा के देखते हैं, दोबारा मेम्ब्रेन लगा के देखते हैं। तो भैया बार बार पैसे लगाने से अच्छा है कि एक बार ऑटो फ्लश लगा दो, या अगर हम आरओ यूज़ कर रहे हैं तो लगवा लेना चाहिए।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना यार, और अगर आपको लगता है शेयर करने लायक है तो किसी भी बंदे को ऐसी कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप उसे शेयर कर दीजिए कि भाई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे ऑटो फ्लश लगाया जाता है। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, आप कोई वीडियो मिस ना करें। और ऐसी वीडियो हमारी तरफ से आपको डेली मिलती रहेंगी, लेकिन उसके लिए यार चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में और एक अलग कंप्लेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।